इक्लोब्रियम पर O2 का कंसेंट्रेशन 0.040 मोलर है देन कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इन मोलर इज यहाँ फोर ऑप्शंस गिवन है इक्वेशन गिवन है 3 3O2 जो गैसियस फॉर्म में है एक कन्वर्ट हो रहा है 2 2O3 ये भी गैसेस फॉर्म में है तो यहाँ ऑक्सीजन गैस जो है वह ओजोन गैस में कन्वर्ट हो रहा है और यह रिवर्सिबल रिएक्शन है मींस ऑक्सीजन से ओजोन में कन्वर्ट होगा ओजोन से ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है ठीक तो एक केमिकल इक्वेशन गिवन है अब इस केमिकल इक्वेशन का हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे यहाँ ऑक्सीजन फॉरवर्ड हो रहा है ओ में और ओ थ्री में कन्वर्ट होगा तो यह बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा ठीक है तो अब हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे ठीक है तो देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जितना अधिक होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही स्पीडली होगा ठीक तो है, है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के यहाँ ऑक्सीजन के थ्री मोल है तो यहाँ इस ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन पर जो पावर होगा वह थ्री का होगा अगर यहां टू होता तो यहां हम लोग पावर टू लगाते हैं ठीक है या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के एफ इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू और इस पर पावर थ्री इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओ थ्री के कंसेंट्रेशन के ठीक है तो यहाँ ओ थ्री का हम लोग कंसेंट्रेशन लेंगे तो यहां देखिए टू से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ इस पूरे कंसेंट्रेशन पर जो पावर होगा वह टू का होगा यह हम लोग लिख सकते थे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होगा के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री और इस पर पावर टू का होगा इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्लियर है वेयर के एफ एंड के बी आर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ओके तो यहां जो के एफ है वह वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और के बी जो है वह बैकवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ठीक है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास इक्वेशन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वह इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के ठीक है तो यहां हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास इक्वेशन लॉ ऑफ मास इक्वेशन से क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ओके तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वह है एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू और इस पर पावर थ्री है यह इक्वल टू होगा के बीच इन टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री और पावर टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वह के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू इस पर पावर थ्री इक्वल टू होगा के बीच तो के बी जो है बैकवर्ड रिएक्शन का velocity constant है ब्लॉस्टिकेशन ऑफ ओ थ्री इस पर पावर टू होगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ठीक है या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं के एफ अपॉन के बी के बी का देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था अब इधर आएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो के एफ डिवाइड बाई के बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री है और इस पर पावर टू है यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू का मल्टीप्लाई हो रहा था जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू और इस पर पावर थ्री क्लियर है के सी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो के सी इक्वल टू होगा के एफ अपॉन के बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री का होल स्क्वायर और कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू का होल क्यूब ठीक है तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होगा अब इस इक्वेशन से हम लोग दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड है वेयर केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब इस इक्वेशन से हम लोग दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ केसी की वैल्यू गिवन है कंसेंट्रेशन ऑफ ओटू एट इक्लिब्रियम एक्लिब्रियम पर कंसेंट्रेशन ऑफ ओटू भी गिवन है अब यहाँ से हम लोग ओ थ्री का सकते हैं ठीक तो गिवन है के सी इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फिफ्टी नाइन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू गिवन है जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो मोलर ओके कंसेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री हमें निकालना है तो इन सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में ओके पुट द एबम वैल्यू एवम वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड देखिए ये इक्वेशन थर्ड है तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो ये होगा Kc इक्वल टू ओ थ्री इस पर जो पावर है वह टू का है डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू और O2 पर जो पावर है वह 3 का है इस इक्वेशन में हम लोग दिए गए वैल्यू को पुट करते हैं केसी की वैल्यू है 3 into 10 टू दी पावर -59 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का होल स्क्वायर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ O2 की वैल्यू गिवन है तो यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये होगा 0.040 इस पूरे का होल क्यूब होगा या हम लोग लिख सकते हैं 3.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फिफ्टी नाइन इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो का होल क्यूब इक्वल टू होगा कंसेंट्रेशन ऑफ O3 का होल स्क्वायर ठीक है यह हम लोग लिख सकते हैं 3.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फिफ्टी नाइन इंटू इस पूरे पार्ट को हम लोग फोर इंटू टेन टू दावर माइनस टू लिख सकते हैं तो इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री का होल स्क्वायर ओके या होगा थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फिफ्टी नाइन इंटू यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो इस टोटल की वैल्यू होगी फोर पर पावर क्यूब इंटू टेन पर पावर माइनस टू का होल क्यूब इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री का होल स्क्वायर या इसकी वैल्यू होगी थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस फिफ्टी नाइन इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इक्वल टू है इंटू टेन पर पावर देखो टू इंटू थ्री तो यहाँ माइनस सिक्स होगा इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ओ थ्री का होल स्क्वायर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ओ थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री का मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर में करेंगे तो इस टोटल की वैल्यू 192 आएगी इंटू टेन पर पावर माइनस फिफ्टी नाइन इंटू टेन पर पावर माइनस सिक्स ओके इस पूरे पार्ट को हम लोग नाइनटीन पॉइंट टू इंटू टेन पर पावर वन लिख सकते हैं इंटू ये होगा 10 पर पावर माइनस फिफ्टी नाइन और माइनस सिक्स तो ऐड हो करके माइनस सिक्सटी फाइव होगा या इसकी वैल्यू आएगी 19.2 पॉइंट टू इंटू टेन पर पावर वन माइनस सिक्स यहाँ प्लस वन है और यहाँ माइनस सिक्स है तो वन माइनस सिक्सटी फाइव इक्वल टू आट टू इंटू टेन पर पावर माइनस सिक्सट्रेशन ऑफ ओ थ्री का होल स्क्वायर की वैल्यू है अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूड नाइनटीन पॉइंट टू इंटू टेन पर पावर माइनस सिक्सटी फोर ओके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस टोटल की वैल्यू आएगी 4.38 पॉइंट थ्री एट इंटू टेन पर पावर माइनस सिक्सटी है इस पूरे पर पावर जो होगा हाफ होगा देखिए अगर अंडर रूड ए है तो इसको आप लिख सकते हैं ए पर पावर हाफ तो यहाँ अंडर रूड नाइनटीन की जो वैल्यू होगी वह 4.38 होगी और 10 पर पावर माइनस सिक्सटी की वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टेन पर पावर माइनस सिक्स इस पूरे पर जो पावर होगा वह हाफ होगा तो इस टोटल की वैल्यू आएगी फोर पॉइंट टेन पर पावर माइनस थर्टी टू मोलर तो यही हमारा आंसर होगा ठीक है हेंस कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इक्वल टू होगा फोर पॉइंट थ्री एट इंटू टेन पर पावर माइनस थर्टी टू मोलर यही हमारा आंसर होगा अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चंस में पूछ रहा था कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री की वैल्यू मोलर में कितनी होगी तो उसकी वैल्यू होगी फोर पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी टू मोलर तो ऑप्शन फोर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लियर है आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो